हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंड कंपाउंड एंगल्स। तो ये जो चैप्टर है इसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है जिसमें बहुत सारे सम्स है और बहुत सारे टाइप के सम्स है। जैसे जैसे मैं आपको टाइप सिखा दे जाऊंगा वैसे वैसे उसके फॉर्मुलेज रहेंगे जो सबसे पहले हम लोग कॉपी करेंगे और उसके बाद हम लोग उसके ऊपर सम्स करेंगे। तो जो पहला सम है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो इसके लिए हमें चार फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेंगे जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला है साइन ब्रैकेट में ए प्लस बी, इसका आंसर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। आपको ये नोट डाउन करना है अपने नोटबुक में। सेम तरीके से साइन ए माइनस बी जो होता है वो होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन, सिर्फ दोनों के बीच में माइनस साइन का फर्क है, ऊपर वाले में बीच में प्लस है और नीचे वाले में माइनस है। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। सेम तरीके से कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन। तो कॉस हमेशा ऑपोजिट बिहेव करता है क्योंकि कॉस ए प्लस बी है तो आंसर में बीच में माइनस है और कॉस ए माइनस बी जो है दैट विल बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन। सो कॉस में अगर लेफ्ट साइड पे प्लस है तो राइट साइड पे माइनस होगा और अगर लेफ्ट साइड पे माइनस है तो राइट साइड पे प्लस होगा। साइन में सेम होता है, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी एंड सो ऑन। सो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो हियर एंड टेक डाउन दिस फॉर्मूला। अब इसके साथ साथ आपको जो 10th स्टैंडर्ड में आपने जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ा था वो भी आपको आना चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पे ऑनलाइन बता देता हूँ इंटरनेट पे। सो दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, यू रिमेम्बर दिस, यू मस्ट हैव डन दिस इन 10th स्टैंडर्ड। साइन ए का 0 मतलब 0, साइन ए 30 डिग्री मतलब हाफ, मतलब साइन 30 हाफ है, साइन 45 1 अपॉन रूट 2 एंड सो ऑन। तो ये टेबल आपने ऑलरेडी किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आपको ऑब्वियसली ये फॉर्मूला लिखना है पहले और उसके बाद ये टेबल कॉपी करना है, उसी के बाद हम सम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सम। द क्वेश्चन इज विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 15। अब 15 डिग्री का नंबर तो नहीं था वहां पर, तो अब क्या चीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 15 मिलेगा जिसका वैल्यू हमें पहले से पता है। तो अगर आप वो टेबल ओपन करेंगे तो हमें कौन से डिग्री का वैल्यू पता है, 0, 30, 45, 60 और 90। तो क्लियरली दिख रहा है कि 15 लाने के लिए 45 माइनस 30 कर सकते हैं या 60 माइनस 45, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं कॉस 45 माइनस 30। तो मैथमेटिकली मैंने कुछ गलत नहीं किया क्योंकि मैंने 15 को लिखा है 45 माइनस 30। और अब यहां पे ये फॉर्मूला देखेंगे कॉस ए माइनस बी, तो उसका आंसर होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ए के जगह पे 45 और बी के जगह पे 30 पुट कर दिया है मैंने, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी हो जाएगा कॉस 45 कॉस 30 साइन 45 साइन 30। अभी आप अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ओपन करेंगे तो यहां पे कॉस 45 का वैल्यू देखेंगे 1 अपॉन रूट 2 और कॉस 30 का वैल्यू रूट 3 अपॉन 2, जबकि साइन 45 का वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 और साइन 30 का वैल्यू हाफ। तो ऑलरेडी आपके बुक में रहेगा तो वही से आप रेफर कीजिए, यही पे आपको सॉल्व करके बताता हूँ। कॉस 45 के जगह पे लिख रहा हूँ 1 अपॉन रूट 2, कॉस 30 के जगह पे लिखेंगे रूट 3 अपॉन 2 प्लस साइन 45 की जगह पे 1 अपॉन रूट 2 और साइन 30 की जगह पे हाफ। तो अब ये दोनों जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है,
वन इंटू रूट थ्री हो जाएगा रूट थ्री, और रूट टू इंटू टू को मैं टू रूट टू लिख सकता हूँ, बीच में प्लस साइन, सेम ये दोनों भी मल्टीप्लीकेशन में है, वन इंटू वन वन, नीचे हो जाएगा टू रूट टू। तो हमारा आंसर हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है दोनों जगह पे, तो उसे कॉमन ले लेंगे टू रूट टू, और यहाँ पे लिखेंगे रूट थ्री प्लस वन। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, कॉस 15 डिग्री का आंसर होता है रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू रूट टू। सो ये था सम नंबर वन। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसे कॉपी कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, सो लेट मी जस्ट इरेज दिस फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे तो यहाँ पे है साइन 75 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन है साइन 75 डिग्री। अब 75 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? हमारे पास नंबर्स है 0, 30, 45, 60 और 90, क्योंकि ये सबके वैल्यूज हमें पहले से पता है। तो क्लियरली दिख रहा है कि 30 और 45 को ऐड करेंगे तो 75 हो जाता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ साइन 30 प्लस 45 या 45 प्लस 30, आपको जो लिखना है। अब ये है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो आप अपने नोटबुक में देख सकते हैं। यस, सो एज आई वाज सेइंग, आप अपने नोटबुक में देख सकते हैं साइन ए प्लस बी का वैल्यू, साइन 30, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हमारा फॉर्मूला है। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स में से इनके वैल्यूज देख लीजिए। तो साइन 30 होगा हाफ, कॉस 45 होगा वन अपॉन रूट टू, कॉस 30 होगा रूट थ्री बाई टू, और साइन 45 होगा वन अपॉन रूट टू। तो ये जो दोनों जो मल्टीप्लीकेशन में है, वन इंटू वन वन, और नीचे टू इंटू रूट टू टू रूट टू, प्लस रूट थ्री इंटू वन रूट थ्री, और नीचे है टू रूट टू। तो हमारा आंसर हो जाएगा वन प्लस रूट थ्री अपॉन टू रूट टू। सो दैट्स इट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड। सेम तरीके से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड ट्राई करेंगे खुद, और क्वेश्चन नंबर टू जो है ये मैं आपको कराऊंगा बाद में, ठीक है? तो ये वीडियो के लिए इतना ही है, आप पहले इतना कंप्लीट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, टेक केयर।